अभी तक तो आपने और मैंने एक आईपीओ में 15,000 तक की एप्लीकेशन तो लगाई होगी, पर क्या आपको पता है कि हम एक दूसरे टाइप के आईपीओ में 1,00,000 के ऊपर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इफ यू ऑलरेडी नो मैं कौन से टाइप के आईपीओ की बात कर रही हूँ, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। वेल, मैं तो बताने ही वाली हूँ अबाउट दिस आईपीओ विच इज नोन एज SME IPO। पर ये SME IPO क्या होता है, क्या ये नॉर्मल IPO से अलग है और इसकी क्या लिस्टिंग प्रोसेस होती है, ये सब सिंप्लीफाइड वे में जानना हो तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें। और शुरू करने से पहले एंजल वन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। अब SME IPO क्या होता है ये जानने से पहले ये बात कर लेते हैं कि SMEs क्या होते हैं। SMEs are medium and small sized companies with high growth potential. इनकी पेड ऑफ कैपिटल अप टू 25 करोड़ रुपीस की होती है। अब सिंस ये टॉपिक IPOs के बारे में है तो ऑब्वियसली ये SME कंपनीज भी कैपिटल रेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकती है। अब इनके पास ऑप्शन होता है टू आइदर लिस्ट देमसेल्व्स ऑन NSE Emerge प्लेटफॉर्म या BSE का BSE SME प्लेटफॉर्म। अब ये एक पॉपुलर तरीका है किसी भी कंपनी के लिए फंड रेज करने का फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। चलिए अब जानते हैं लिस्ट होने के लिए SME IPOs में कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट, कंपनी के पास एटलीस्ट 3 करोड़ की पेड अप कैपिटल, नेटवर्थ और टैंजिबल एसेट्स होने चाहिए। सेकेंडली, कंपनी ये साबित कर पानी चाहिए कि उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है एटलीस्ट फॉर 2 ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स ओवर एंड अबव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। थर्ड, सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक SME IPOs की मिनिमम ट्रेडिंग लॉट 100 to 10,000 हो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ब्रैकेट। पर क्या सिर्फ ऊपर बताए क्राइटेरियाज इनफ होते हैं फॉर SMEs लिस्टिंग? नहीं, कुछ की कंडीशंस होती है विच इज लेड डाउन बाय सेबी दैट SMEs नीड टू फुलफिल टू कंप्लीट दिस लिस्टिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर। लाइक मेन बोर्ड IPOs, SMEs को भी एक SME IPO कंसल्टेंट की जरूरत लगती है टू गाइड देम विद द लिस्टिंग प्रोसेस। सेकंड इज कंप्लायंस एंड ड्यू डिलिजेंस। अगला स्टेप है टू इंश्योर कि सारा डेटा, फाइनेंशियल फैक्ट्स हो गए, अकाउंट्स हो गए कंपनीज के, दीज रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर। इससे कंफर्म होता है कि डेटा में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है जो कंपनी को इम्पैक्ट कर सके। थर्ड इज फाइलिंग RHP। नॉर्मल IPOs की तरह SME IPOs को भी एक रेड हेरिंग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। इसमें कंपनी के ऑपरेशंस और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स होती है और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए ये एज अ गाइड साबित हो सकता है। फोर्थ इज वेरिफिकेशन एंड फीडबैक। जितने भी डॉक्यूमेंट्स और डेटा जो ये सबमिट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोस्पेक्टस फाइलिंग, दीज अंडरगो वेरिफिकेशन टू एलिमिनेट चांसेस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट इस स्टेज पर साइट वेरिफिकेशन भी होती है। फिफ्थ इज इन प्रिंसिपल अप्रूवल। पब्लिक ऑफर ओपन करने से पहले एक SME को सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं। यस, एक SME को इन प्रिंसिपल कंसेंट दिया जाता है सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एडिशनल कंडीशंस। Sixth is opening the issue. Due diligence और approvals मिलने के बाद offer investors के लिए open हो जाता है जो कि कुछ ही दिनों के लिए open रहता है। And seventh is shares listing and trading. Bosses पर listing process complete होने में करीब 1 हफ्ता लगता है। जैसे ही scripts list और allot हो जाती है, investors उन्हें अब secondary market में trade कर सकते हैं। Well, ऊपर बताए गए process does involve a lot of paperwork and is a long process. As an investor, I'm sure understanding how the IPO share listing process works will definitely help me. अगर आपसे मैं mainstream IPOs और SME IPOs के differences की बात करूँगा, तो जैसे normal IPOs में हम shares individually sell कर सकते हैं secondary market में, SME IPOs में ये पूरा lot ही बेचना पड़ता है। Application size भी normal IPOs की 10,000 to 15,000 होती है, वहीं दूसरी ओर SME IPOs के लिए ये size 1,00,000 से ऊपर की होती है। SME IPOs के लिए minimum number of allottees 50 होने चाहिए as against 1,000 in case of normal IPOs. पर अगर आप पूछें कि क्या SME IPO में investment better option है? Well, then like any other IPO, SME IPO में भी एक risk element जरूर होता है।
एक पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ आपके लिए अच्छा है या नहीं, अब ये तो डिपेंड करेगा कंपनी के फंडामेंटल्स पर, मार्केट ट्रेंड पर और आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट पर भी। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप अब आप सब एसएमई आईपीओ क्या होता है इसे वाकिफ जरूर हो गए होंगे। आई विल सी यू सून विद आवर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। अंटिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.